वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो इस वक्त हम लोग लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन के अंदर ही हम लोग अपना सीए फाउंडेशन का जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों का वेलकम करता हूं जैन कोचिंग क्लासेस बीआर जैन में। तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को वहां जो पिक्चर्स है उनसे पता लग ही गया होगा कि मैं आपका सब्जेक्ट टीचर हूँ लॉ का, तो हम लोग यहाँ पे आज की क्लास में बहुत बेसिक चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारी स्टडी होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास जो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको अलग तरीके से नजर आएगी। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आपको मैं बहुत छोटी सी एक पिक्चर के अंदर दिख रहा हूँ, लेकिन कल से जो आप लोगों को क्लासे रिलीज होंगी उनमें आप प्रॉपर तरीके से नोट्स को भी देख पाएंगे, मुझे भी देख पाएंगे, और हम लोग बहुत अच्छे से हमारी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग एकदम सिंपल बात कर लेते हैं। चलिए यहां से शुरू करता हूं, मैं अपने आप से शुरू कर देता हूं। बिजनेस लॉ आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट पर आने से पहले मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों से हो जाए, क्योंकि सबसे पहली जरूरत है कि आपके और मेरे बीच में, क्योंकि हम लोग अभी एक दूसरे को सिर्फ, अच्छा एक दूसरे को भी नहीं, सिर्फ आप मुझे देख पाएंगे, मेरे लिए आपको देखना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। जब तक हमारी फेस टू फेस क्लासेस चालू नहीं होती है, तो थोड़ा सा एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग जुड़े हुए रहेंगे एक दूसरे से। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एडवोकेट हूं राजस्थान हाई कोर्ट में। हाँ, सेकेंड नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीडेक करके कोर्स हुआ करता है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। देन सीपीटी फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल में मुझे 18 ईयर का एक्सपीरियंस, 18 साल पूरे हो चुके हैं इस वक्त के अंदर पढ़ाते हुए ये सारे स्ट्रीम्स को। और बेसिकली मैं लॉ और इंटरमीडिएट के अंदर ऑडिट का फैकल्टी भी हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लॉ इंटरमीडिएट का भी लॉ। उसके अलावा मैं नागुड़ा पाशना जैन महाविद्यालय जो कॉलेज है उसकी फैकल्टी भी पहले रह चुका हूँ, और आरजे रह चुका हूँ मैं ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। काफी टाइम तक मैं रेडियो जॉकी था, लेकिन अभी इस वक्त आप लोगों के साथ में हूं, तो मेरी दोनों चीजें यहाँ पे पूरी हो रही हैं, बोलना का काम भी बिल्कुल हो रहा है और पढ़ाना जो है वो तो हो ही रहा है। नेशनल लेवल का मैं डिबेटर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट अगेन, नाउ मोटिवेशनल स्पीकर, कई सारे प्रोग्राम्स के अंदर जाता रहता हूँ, और कई सारी बुक्स भी मैंने लिखी हैं जिनमें कॉर्पोरेट लॉ है, कमर्शियल लॉज है, ऑडिटिंग है और मैनी अदर बुक्स। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि हम लोग दूर है, सिर्फ इस मीडियम के थ्रू हम लोग साथ में हैं, तो बहुत जरूरी था कि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। खैर, अब मुझसे आगे बढ़ते हैं और हम सीधा पहुंच जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में। तो आप लोगों को, सबको ध्यान में होना चाहिए कि आप लोगों के 4 पेपर में से हर पेपर 100 मार्क्स का है, बराबर, और उसमें से हमारा पेपर नंबर जो हमारा है, यानी मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 हैविंग 2 पार्ट्स, जिसमें से एक पार्ट आपका बिजनेस लॉ का है, सेकेंड पार्ट आपका जो है वो बीसीआर के नाम से है, जो इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा। तो लॉ का पेपर आपका 60 मार्क्स का है, जबकि बीसीआर का जो आपका पेपर है वो आपका रहेगा, जो बिजनेस लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो आपका रहेगा 40 मार्क्स का। इस वक्त में हम लोग जो क्लासेस शुरू करेंगे वो लॉ की शुरू करेंगे, और जल्दी ही वो, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन उतना मुश्किल पोर्शन नहीं है, बहुत इजी पोर्शन है। आप लोग सब इंग्लिश मीडियम से हैं, आप लोगों ने पढ़ावा भी है, तो ज्यादा उसको टिपिकल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस लॉ के ऊपर हमारी बात को शुरू करेंगे। अब आपको ये बता दूं मैं कि हमारा जो ये पूरा कोर्स रहेगा, ये टोटल 5 एक्ट में डिवाइड है। अब एक्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ कोर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। और जहां तक मुझे ध्यान है, कुछ जगह पे, मुझे नहीं पता कि सीबीएसई में है या आरबीएससी में है, और कहीं पर लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ छोटा सा पोर्शन आप लोगों के कोर्स में कहीं पर है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने भी बताया था कि हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन वगैरह हम लोग सब अपने 12th के अंदर कहीं पर पढ़ करके आए हैं, 12th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन कहीं आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ रखा है। तो उसके अलावा ये आप लोगों के लिए, अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। आपको क्लियर बता दूं कि ये मेजर 2 सब्जेक्ट आपका, एक तो फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी और सेकेंड पेपर हमारा जो बिजनेस लॉ का है, ये आगे सीए फाइनल तक, और सीए फाइनल के बाद में, मतलब इंटरमीडिएट में तो है ही है, फाइनल में भी है, और उसके अलावा आपकी आगे सीए की पूरी लाइफ में जो 2 मेन पेपर काम में आने वाले रहेंगे, उनमें से एक रहेगा अकाउंटेंसी और दूसरा रहेगा हमारा ये लॉ का सब्जेक्ट, जो हमारी रियल लाइफ से एकदम अटैच है। जितना बेटर आप इसको पढ़ेंगे
उतना ज्यादा आपकी आगे की क्लासेस भी बहुत अच्छे से आप लोग अपने स्ट्रीम जो है फाउंडेशन पास करने के साथ साथ इंटरमीडिएट फाइनल भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारा ये जो पेपर रहेगा ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। आप लोग जानते हैं ना कि अपने यहाँ पे एमसीक्यू भी है, लेकिन अकाउंटेंसी का पेपर और जो सेकंड पेपर है बिजनेस लॉ प्लस बीसीआर का, वो पूरा थ्योरिटिकल यानी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, इनमें एमसीक्यूज नहीं है। तो हमारा ये जो 60 मार्क्स का पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है, जिनमें से नंबर 1 पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, जिसके सेक्शन 1-75 आप लोग यहां पे पढ़ेंगे। ये सेक्शंस क्या होते हैं सर, सब बताऊंगा आपको, अभी बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं सब्जेक्ट का करवा रहा हूं, ठीक है। तो 1-75 आप लोग देख रहे हो सेक्शंस, बहुत ज्यादा सेक्शंस और भी हैं लेकिन वो सब आपको पढ़ना है सीए इंटरमीडिएट में, अभी कुछ भी नहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप लोग देख रहे हैं, थर्ड वाला एक्ट आप लोग अपने अकाउंट्स के अंदर भी करते हैं, है ना। अकाउंट्स में आपका जो 12th के अंदर अकाउंट्स के अंदर आपका जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक है वो यहीं से निकला है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नया कंसेप्ट है 2008, वो भी आपके कोर्स में है। और जो कंपनीज एक्ट 2013 आप देख रहे हो, इसके टोटल सेक्शन है 470, जिसमें आप लोगों के फाउंडेशन लेवल पर कवर रहेंगे 1-22, है ना। रिमेनिंग सेक्शन 23 से लगा करके 148 रहेंगे सीए इंटरमीडिएट के अंदर, बराबर, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट भी पढ़ाता हूं। और 149 से लगा करके आगे तक के सेक्शंस 470 पूरे सीए फाइनल में। तो जितना अच्छा यहां आपका बेस मजबूत होगा, क्योंकि जो यहां पढ़ोगे ना वो सबका सब आगे वापस से रिपीट होने वाला है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि टोटल ये 5 एक्ट टोटल 60 मार्क्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा टीचिंग का पैटर्न क्या होगा आपको बता दिया जाए। मैंने लिखा है फिलहाल ड्यूरिंग क्लास, क्लास का मतलब वेदर हम यहाँ पे हैं या हम लोग जब लॉकडाउन खत्म होगा और फेस टू फेस में आ पाएंगे तो हमारी क्या सिचुएशन रहेगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो मेरी बुक से पढ़ाया जाएगा, यानी कि जैन कोचिंग क्लासेस आपको जो बुक प्रोवाइड करेगा, जो स्टडी मेट आपको देगा, वहां से हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले। फिलहाल आपको सारे नोट जो है वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, बराबर। सेकेंड नंबर के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि स्टडी मटेरियल हम लोग जो है आईसीई वाला ना, जो आप लोगों को डाउनलोड करने को भी बोला था, जो आईसीई आपको भेजेगा वो भी हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं, है ना। कुछ दिनों के बाद जब मैं आपको बोलना शुरू करूंगा कि हाँ अब वहां से ये मैटर को पढ़िए, तब आप उसको साथ में देखते जाएंगे। सबसे खास चीजें हम दो करेंगे, एंसर को कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है। देखो कौन सी चीज कब और कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, है ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो इतने सारे लोग फाउंडेशन का एग्जाम देंगे लेकिन मार्क्स वही ला पाएगा जिसको आंसर प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो हम लोग सीखेंगे कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, उसका रिटन प्रैक्टिस भी डालेंगे। डेली रिवीजन का मतलब जब भी मैं नेक्स्ट क्लास पे आऊंगा तो कोशिश करेंगे कि पुरानी क्लास का छोटा सा एक पार्ट हम रिवाइज लगाएं, फिर हमारे नए टॉपिक पे आए। और टेस्ट आप लोगों के होते रहेंगे, सर यहाँ आप कैसे करोगे, आप ऑनलाइन टेस्ट सारा अरेंजमेंट करेंगे उसका, बिल्कुल आप नहीं घबराएं, इसके लिए हम उसका भी अरेंजमेंट पूरा आपके लिए करेंगे। अब आफ्टर क्लास क्या रहेगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक भी हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पुराने अटेम्प्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन से ऊपर का, ज्यादा ही क्वेश्चंस होंगे, उतना आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो रहेगा अलग से प्रैक्टिस के लिए। फिर एग्जाम में रिविजन टाइम के लिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड रहेंगे, जिनको आप बहुत फास्ट रिकैप जब लगाना होगा ना एग्जाम टाइम में तो आप इजीली लगा पाएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन बिल्कुल चलेगा, और ये तो फिजिकल की बात मैंने लिखी है, लॉकडाउन के बाद की फिलहाल हम व्हाट्सएप के ऊपर हमारे डाउट सॉल्व करते रहेंगे, है ना। कई सारे अदर वीडियोस, खास करके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और भी नए नए टॉपिक्स के वीडियो, वो आप लोगों के सपोर्ट के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगातार अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, चूंकि लॉ है तो आपने सुना होगा लॉ में चेंजेस आते रहते हैं ना, तो उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट क्लास जब भी जरूरत होगी लॉ की वो होगी, उसके नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सब हम आफ्टर क्लास जो है वो करने वाले हैं। अब सवाल ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, नाउ आप लोगों का लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा है डेली पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, जितना आपको रोज पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे वो सारा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना।
एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली आपको घर पे करना है, रजिस्टर बनाना है अलग से हर सब्जेक्ट का, उसमें आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे स्टडी का पैटर्न जनरली रहता है कि अगर आप लोग का फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, तो ग्रुप के अंदर लॉ को डिस्कस करिए, लॉ के प्रोविजन को डिस्कस करिए, तो मजा आएगा आपको पढ़ने का, याद भी होगा, खुद के नोट जरूर बनाइए, है ना। पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना, सबने देख रखी है। मेरे पढ़ाई का कंसेप्ट थोड़ा ये रहेगा कि मूवीज के, फिल्मों के एग्जाम्पल्स काफी रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि लॉ हमारे आसपास ही है, तो हम लोग कई सारे मूवीज के एग्जाम्पल निकाल करके लाएंगे जिससे आपको लॉ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो आप लोग ध्यान में रखें कि थ्री इडियट्स मूवी जब आप लोगों ने अगर देखी है, तो उसमें वो मशीनरी वाला डेफिनेशन का सीन याद है आपको, जहां पे वो मशीनरी का एक डेफिनेशन जो है वो बोला जाता है। एक डेफिनेशन दिया था किसने, चतुर ने, ध्यान में आया अपना, और दूसरा जो दिया था वो रेंचो ने दिया था। अब सवाल ये कि हमको समझ में आता है वो तो रेंचो वाला है, ठीक है, एग्जाम में जो लिखना पड़ेगा वो अपने को चतुर वाला लिखना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनेंगे रेंचो। जो भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे पहले उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि यार ये है क्या चीज, वो अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम बुक की लैंग्वेज के ऊपर आएंगे कि हाँ एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर क्या बड़े बड़े से वर्ड लिख रहे हो, काय का स्ट्रेस अभी, काय का पैनिक, बच्चे लोगों सीए है आप लोग सब जानते हो, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आगे जाकर के जब बर्डन बढ़ेगा तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताता हूँ आगे, मैं अभी बता रहा हूँ। तो पैनिक नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप रखेंगे, अपना 100% देंगे, और ये लाइन जो मैंने लिखी हमेशा याद रखेंगे, सीए एग्जाम इज नॉट हार्ड, सीए के एग्जाम जो है वो हार्ड नहीं है, इट इज जस्ट यू हैव टू स्टडी हार्ड, समझ रहे हैं ना। सीए का एग्जाम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको पढ़ना जो है वो बहुत पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपने सोच लिया है कि सीए करना है ना, जब फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, है ना। मैंने आपको कहा था ना मैं रेडियो जॉकी भी रह चुका हूं, तो कहीं कहीं पे थोड़ा मेरा रेडियो जॉकी वाला जो सिस्टम है, जो टोन है, वो आपको यहाँ पे कभी कभी सुनने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब हमने सोच लिया है कि सीए करना है, तो अभी से आप मेरे साथ में लग जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वी आर विद यू, पूरा कोचिंग क्लासेस, पूरा जैन क्लासेस आप लोगों के साथ में, तो अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, बराबर। तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे हम लोग पढ़ेंगे ये सारा हो गया। तो छोटी सी बेसिक स्टडी पे हम लोग जो है, आइए आज बात शुरू कर देते हैं, एकदम बेसिक वाली बात हम लोग आज शुरू करते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ मैं ये पढ़ा रहा हूं कि व्हाट इज लॉ, एक्चुअल में लॉ है क्या चीज। तो अगर हम लोग अभी फिजिकल क्लास में होते तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछता, जैसे मेरा हमेशा का पैटर्न रहता है कि मैं स्टूडेंट से ही पूछता हूं कि भी बताओ आपके हिसाब से लॉ क्या है। तो कई लोग अलग अलग जवाब देते हैं, सर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सर ये सेट ऑफ रूल्स है ना, ऐसा कुछ बोलते। तो बेसिकली लॉ यही है, सेट ऑफ रूल्स, है ना। जैसा आप लोग वहां पे देख रहे हो, लॉ मे बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकग्नाइज एंड एनफोर्स बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब हमारी गवर्नमेंट हो गई, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल, है ना, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी। अब ये बड़े बड़े से वर्ड जो आप देख रहे हो, इनको समझने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूं, है ना। आइए ये देखिए, ये अभी की एकदम फेमस पिक्चर है। एक तरफ आपको लॉकडाउन दिख रहा है, एक तरफ आपको पुलिस दिख रही है, एक तरफ ये भाई साहब दिख रहे हैं जो बाहर निकले और पुलिस ने इनको रोका है। एग्जैक्टली जब आप ये सिनेरियो देखोगे तो आपको लॉ समझ में आएगा कि हाँ भाई ये लॉ का रोल है ना। इस वक्त आप जानते हो कोविड 19 की वजह से हम लोग सारे लोग घरों में लॉकडाउन है। हाँ, गवर्नमेंट को इतना कंपलसरी करने की जरूरत क्या है, है ना। हम लोग सेल्फ घर में क्यों नहीं रह सकते, वही पुराना कंसेप्ट है, जब तक हमारे ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा, जब तक कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। कभी देखा ना आपने क्लास में, जब भी 12th में 11th में पुरानी अपनी क्लासेस के अंदर कई बार आपकी सर या मैम बोलते थे सेल्फ डिसिप्लिन बनो, और हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे सेल्फ डिसिप्लिन बनते थे, इधर सर मैम बाहर निकले नहीं और हमारी बात शुरू हुई नहीं, तो फिर क्लास का एक मॉनिटर बनाया जाता, वो बोर्ड पे नाम नोट करता, अच्छा तुमने बात किया मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे डाल दूंगा, है ना, कई बार धमकी भी देता था। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कई सारे राइट्स दिए। हम में से हर कोई राइट्स लेना तो जानता है, लेकिन अपना ड्यूटी फॉलो करना नहीं जानता। तो उसी ड्यूटी को फॉलो करवाने के लिए, पीसफुल लिविंग के लिए, अब ये पुलिस को आप देख रहे हो, भाई साहब को रोका इसलिए है ताकि हम पीसफुल तरीके से रह सकें, है ना। जितना लोग घरों में रहेंगे उतना ज्यादा COVID-19 से बचे रहेंगे। तो ये सारा काम किस रूल के अंदर हो रहा है? लॉ। अगर ऐसा लॉ नहीं होता तो हम मानते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं किसी की, हम कभी किसी की सुनते हैं क्या? तो हमारे चीज को कंट्रोल करने के लिए, हमारे एक्ट को थोड़ा सा रेगुलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर कंट्री में कुछ रूल्स का सेटअप होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉ। तो लॉ का बेस्ट यूज अगर आपको देखना है तो इस पिक्चर को आप देखिए, अपने आसपास आप लोग देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे लॉ है और लॉ की वजह से ही हम पीसफुल तरीके से रह पा रहे हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल। तो हमने बोल भी दिया पीसफुल लिविंग, भाई आज मैं अपने घर में रह रहा हूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि घर मेरा है, है ना। कोई और आके मेरे घर में क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि मेरे पास उस घर के डॉक्यूमेंट्स है ना, घर का रजिस्ट्री मैंने कहां करवाई? गवर्नमेंट के हिसाब से करवाई। गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस घर को हमारे पास रजिस्टर्ड करवाओ कि आपका घर है। तो हर जगह पे हमारे आसपास लिविंग में हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे पीसफुल लिविंग के लिए, हमको जस्टिस दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो चीज काम में आती है वो चीज क्या है? लॉ, है ना। बहुत सिंपल हो गया। अब ना हो, आप लोग देखें हमारे यहाँ लॉ बनता कैसे है, बहुत सिंपल। देखो ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम सब्जेक्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में अपने को पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको बता दूं, हमारे कोर्स में ये सब नहीं आने वाला है कि लॉ कैसे बनता है, क्या बनता है। तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का एक कमेटी इसके लिए काम करता है, और आप लोग तो उन कह सकता हूं लकी लोगों में हो जिन्होंने लॉ को आते हुए देखा है, है ना। जीएसटी जिस वक्त में आया तो बहुत सेलिब्रेशन के साथ में जीएसटी अप्लाई हुआ, तो आप लोगों को नॉलेज में भी है कि हाँ भाई ये एक लॉ नया बना था, ये लॉ अप्लाई हुआ है, है ना। या अभी कई सारे लॉ जो जैसे 370 वाला जो हमारा आर्टिकल हटा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इन दिनों में देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, तो अब आप लॉ को बहुत अच्छे से जान सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी लॉ आ गया हमारा, है ना। कई सारे ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होने लग गए कोविड से रिलेटेड, जो मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो अचानक से गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक करेगा उसको हम उठा करके जेल में डालेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब रोकने वाला कौन है? लॉ है। लॉ नहीं हो तो हम में से कोई भी रुकने वाला नहीं है, और फिर आपस में ही झगड़ पड़ेंगे, झगड़ झगड़ के मर जाएंगे, हमारी लाइफ चलेगी नहीं। इसलिए हमारी लाइफ को रेगुलाइज करने के लिए हमको जो चीज चाहिए वो है लॉ, बराबर। तो गवर्नमेंट का एक कमेटी जो है वो उसके ऊपर काम करता है कि भाई किस तरीके का लॉ हमको चाहिए, कैसा रूल्स होने चाहिए। तो पूरी एक रूल बुक तैयार करती है गवर्नमेंट की एक कमेटी। मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं बता करके एक बहुत सिंपल आइडिया दे रहा हूं। फिर ये सारा का सारा जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग है हमारा पार्लियामेंट, बराबर। तो ये सारा कुछ यहां से पार्लियामेंट के पास में जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज आप अच्छी तरह से जानते हो, हमारा अपर हाउस काम करता है, लोअर हाउस काम करता है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों से पास होने के बाद ये जो गवर्नमेंट की कमेटी ने बुक बनाई थी उसका नाम हो जाता है बिल। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है ना, आप सब लोगों ने सुन रखा है। उसके आने से पहले क्या हुआ? कंपनीज बिल, तो उसको बिल बोला जाता है, ठीक है। अब सर ये बिल तो वो वाला हो गया जो होटल का बिल होता है। एक चीज ध्यान रखो, लॉ की एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे देखने को मिलेंगे सेम वर्ड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूं, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कैपिटल। अब कैपिटल वर्ड स्पेल भी सेम है, लेकिन एक कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, एक कैपिटल हम अकाउंट्स के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट में भी हम सेम वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल का वर्ड सब जगह आएगा। अच्छा, इन दिनों आप रामायण देखते हो तो रामायण से मुझे इसका एक और एग्जाम्पल मिला। मैंने आपको कहा ना सीरियल मूवीज से एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आपने सुना हो तो एक बात कही गई कि विभीषण ने रावण का सारा भेद, वर्ड सुनना, सारा हिंदी में बोल रहा हूं, सारा भेद राम जी को बता दिया, बराबर। अब यहां एक वर्ड यूज हुआ भेद, विभीषण ने सारा भेद बता दिया। इस भेद का मतलब क्या? सारे जो राज थे, सारे जो सीक्रेट्स थे, वो सारे बता दिए। एक जगह वर्ड यूज हुआ जब उन्होंने कहा कि भाई ये रावण को मारना बहुत मुश्किल है, इसके पेट के अंदर वो अमृत का कोई कलश है, तो आप अपने तीरों से इसके पेट को भेद दीजिए। सेम वर्ड वापस से यूज हुआ, भेद दीजिए। इस भेद का मतलब टारगेट करके निशाना लगा दीजिए, बिल्कुल निशाना पॉइंट पे मार दीजिए, उसको भी बोला जाता है भेद, बराबर। तो ध्यान रखेंगे कि वोकैबुलरी इस तरह की रहेगी कि कई सारे वर्ड बिल्कुल सेम दिखेंगे लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, समझ रहे हैं। तो सेम उसी तरह से गवर्नमेंट की कमेटी ने कुछ रूल्स बनाए,
हमारी पार्लियामेंट को वो रूल सारे भेज दिए। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उस पर बहुत सारा डिस्कशन किया, उसके बाद उसको पास कर दिया। पास करने के बाद अभी इट बिकम बिल, अब उसको बोलते हैं कंपनीज बिल। बिल बनने के बाद में अगली जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है हमारे प्रेसिडेंट हाउस की यानी राष्ट्रपति भवन। तो ये सारा जाएगा राष्ट्रपति के पास में, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, और जैसे ही उनका अप्रूवल इसके ऊपर आ गया, नाउ इट बिकम एक्ट। जो एसीडी वर्ड आप देख रहे हो, इट्स कॉल्ड एक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिनियम। तो जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी को हम एक्ट कहते हैं। तो मैंने आपको जो ऊपर बताया था ना, पार्टनरशिप एक्ट है आपके कोर्स में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो सारा एक्ट यहीं से बनकर के हमारे सामने आता है। तो एक्ट बनने से पहले वो हमेशा बिल होता है, समझ रहे हैं आप लोग, बिल से पहले ड्राफ्ट होता है। तो पहले ड्राफ्ट बनाया, उसको पार्लियामेंट के अंदर रखा, उन्होंने पास कर दिया, तो उसको हम लोग बिल बोलेंगे। फिर वो प्रेसिडेंट जी के पास में जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर देंगे, अप्रूवल दे देंगे, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और नाउ हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये लॉ बनने का एक बहुत सिंपल प्रोसेस आपको मैंने यहां पे बता दिया है, बहुत इजी सा पॉइंट था, कोई खास बात नहीं। फिर एक सवाल हमारे सामने आता है कि हमको लॉ के बारे में क्यों जानना चाहिए। बहुत सिंपल चीजें बताता हूं। देखिए, हमको लॉ क्यों जानना चाहिए, दो चीजें मेन ध्यान रखो। एक तो हम सीए करने जा रहे हैं और हमारे कोर्स में लॉ है, तो हमको लॉ पढ़ना है, बहुत सिंपल चीज हो गई। लेकिन हम में से हर कोई, आप में हर आदमी को लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक लाइन बहुत जोरदार है, वन शुड नो द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, मतलब आपसे जुड़ा हर लॉ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बहुत जबरदस्त लाइन है, आज के बाद इस लाइन को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। पूरा लॉ, पूरी जिंदगी जो आप निकालेंगे वो लॉ से रिलेटेड इसी लाइन पे जाएगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपका ही। सपोज करिए कि आप लॉकडाउन खत्म हो गया, या चलिए लॉकडाउन चल रहा है, मतलब लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं ना। अब ये लॉकडाउन के एग्जाम्पल में इस पिक्चर को देख लो, ये भाई साहब निकले बाहर, मान लेते हैं कि इस एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है और ये भाई साहब बाहर निकले। बाहर निकले तो पुलिस वालों ने रोका, सर आपका चालान कटेगा। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, सर मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था कि कर्फ्यू क्या होता है, मुझे तो कर्फ्यू का मतलब ही नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं होता है कि कर्फ्यू के अंदर बाहर नहीं निकला जाता है, सर मैं तो कोविड के बारे में जानता ही नहीं हूं। इनका कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, समझ रहे ना। अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता है तो ये आपकी गलती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी पर्सन हैव नॉलेज अबाउट दी लॉ, हम ये मान के चलते हैं कि हर पर्सन को लॉ के बारे में पता है। अच्छा, कॉमन एग्जाम्पल पे आते हैं, लॉकडाउन से पहले आप जा रहे हैं, आपने हेलमेट वियर नहीं किया है, पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया है। अब आप कह रहे हैं, सर अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट जैसी कोई चीज होती है, सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में हेलमेट लगाना होता है या जोधपुर में हेलमेट लगाना होता है। आपका कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, आपको चालान भरना पड़ेगा, सिंपल, बराबर। लॉ वाइज बात करूंगा, ये मत कह देना सर चालान नहीं भरेंगे हम कुछ पकड़ा देंगे, नहीं, ये सारी क्लास लॉ की है तो हम सारी बात जो करेंगे वो लीगल करेंगे। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल मेरा खुद का देता हूं। कई सालों पहले, मतलब मेरे ख्याल से 10 ईयर्स पहले की बात रही होगी, जोधपुर में अपने यहाँ पे इतने ट्रैफिक रूल्स अभी भी स्ट्रांग नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो जैसे ट्रैफिक लाइट यहाँ पे है, तो रूल ये है कि ट्रैफिक लाइट से पहले हमको जहाँ रुकना है वहाँ एक लाइन होती है, उस लाइन से पहले हमको रुकना है। और हम जोधपुर वालों की क्या आदत होती है कि हमारी गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है वो उस लाइन के ऊपर होगा, इतना हम आगे निकल के चलते हैं। और जैसे ही उस लाइट में 4 सेकंड के आसपास हमको दिखता है और हमारी गाड़ी ये छू हो गया, भाग जाते हैं वहां से, फटाफट चलाते हैं गाड़ी को। अब मैं जोधपुर से गया दिल्ली और उस वक्त ऑड इवन का चक्कर नहीं था मान लो, और यहां से एक ड्राइवर साहब को साथ में लेके गया, मैं और मेरे ड्राइवर साहब, हम लोग गए। ड्राइवर साहब वही अपने जोधपुर के खिलाड़ी, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जहां सिग्नल पे गाड़ी रोकना था, भाई साहब ने स्टॉप लाइन के बहुत आगे जाकर के गाड़ी को रोका, जोधपुर स्टाइल में रोक लिया। इमीडिएटली पुलिस वाले आ गए, सर चालान कटेगा। मैंने बोला, सर वी आर फ्रॉम जोधपुर एंड नॉट अवेयर अबाउट दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने बोला, भाई साहब सब जगह पे ट्रैफिक के सेम रूल हैं, और अगर आप यहां हैं तो आपको यहां के लॉ पता होने चाहिए थे, अदरवाइज यू हैव टू पे फाइन। और मुझे वहां पे फाइन भरना पड़ा, तो समझ रहे हैं, इसीलिए लॉ का सीधा कंसेप्ट है। तो आप किसी का मर्डर कर दें, फिर आपको अच्छा ऐसा हो गया क्या, मैं तो चाकू लेके घर आता, सामने वाला आया, जादू की झप्पी चाहिए, पेट में चाकू घुस गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है, सवाल ही नहीं होता। अगर आपने गलती की है, लॉ को ब्रेक किया है, तो पनिशमेंट तो मिलेगा। सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, इफ रजनी इज कॉट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विदाउट टिकट। अब आप ट्रेन में बगैर टिकट चढ़ गए, टीसी साहब आए, टिकट कलेक्टर, टिकट मांगा। अब आपने बोला, सर यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे हमारी अपनी संपत्ति है,
तो ये तो हमारी संपत्ति है सर, हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, सामान को उठा के घर पे ले जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो मैंने लिखा भी है, शी कैनॉट प्लीड, प्लीड का मतलब आर्ग्यू करना है ना, दैट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रूल रिगार्डिंग टू परचेज द टिकट। अब वो कह रही है सर मुझे नहीं पता था कि रेलवे में ट्रैवल करने के लिए टिकट लेना पड़ता है ना, क्या वो ऐसा बोल सकती है क्या? शी मे बी एक्सक्यूज, सो उसको माफ कर देना चाहिए। याद रखिए बिल्कुल भी ऐसा आर्ग्यू नहीं काम करेगा, हम ये मान के चलेंगे कि हर पर्सन जो रेलवे से ट्रैवल कर रहा है उसको वो इस बारे में अवेयर है कि उसको लॉ के बारे में पता है, बराबर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ कांत मिक्स करोगे तो रजनीकांत हो गया, इज कॉट ड्राइविंग कार विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अभी आपको मैंने कहा सेम लाइन मैंने लिखी है, वो ये नहीं आर्ग्यू कर सकता कि भी मुझे तो ट्रैफिक रूल का पता ही नहीं था कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है फिर ही हम गाड़ी चला सकते हैं। अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल, 6 महीने के लिए मान लीजिए, 3 महीने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल का अपने को सर्टिफिकेट मिलता है, आपने नहीं कराया, अब आप कह रहे हो सर मैं तो अवेयर ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन यहां पे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपका कोई भी एक्सक्यूज वहां पे काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको लॉ के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना ही होना चाहिए, जितना हमको हो सके, नहीं तो पता करिए। अब एक चीज और क्लियर करूं, आप लोगों के कई सारे लोगों के मन में आएगा कि सर लॉ पता नहीं और हमने लॉ तोड़ दिया तो सजा मिलेगी। हाँ ठीक है, सजा देते वक्त में हो सकता है कि आपका क्या माइंड सेट रहा हो, है ना, आप लोग सीरियल्स वीरियल्स देखते हो, टीवी देखते हो, तो आपका अगर इंटेंशनली आपने नहीं किया है तो पनिशमेंट कुछ अलग तरह का रहेगा, अदरवाइज आपको पनिशमेंट तो रहेगा, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज और क्लियर करूं, देखिए जब भी आप लॉ पढ़ें तो इस चीज को एकदम माइंड में सेट करिए, लॉ के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग को प्रैक्टिकली पसंद नहीं आएंगे, है ना। हमको लगता है सर हेलमेट हम नहीं पहन रहे हैं, चोट हमको आएगी, गवर्नमेंट हमसे क्यों पैसा लेती है, जो लॉ है वो है। सर ये GST तो सर गलत लगा दिया, जो लॉ है सो है। सर वो सलमान खान को सर वो 5 ईयर का जो जेल था सर उसको गलत छोड़ दिया, जो लॉ है वो है। तो लॉ अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपके और मेरे कहने से लॉ चेंज नहीं होगी। तो लॉट ऑफ प्रोविजन हियर, यहां बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हम लोग पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकली आपको या मुझे पसंद नहीं आएंगे, सर ये तो रूल गलत बना हुआ है, सर ऐसा थोड़ी होता है, सर इतना थोड़ी कर सकते हैं, सर ये तो बेचारा इनोसेंट बंदा था। मान के चलिए लॉ, वो देखा ना आपने वो आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई होती है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि कानून अंधा है। लॉ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लॉ ये मान के चलता है कि लॉ ब्रेक किया है तो इसका मतलब पनिशमेंट होगा। लॉ में जो बातें लिखी गई हैं वो आप जानते हो, आपने और मैंने नहीं लिखी है ना, पार्लियामेंट ने पास करके भेजी है, बहुत सारे समझदार लोग वहां बैठे हुए थे जिन्होंने लॉ बनाया, उन्होंने बना करके भेजा, एक्सपर्ट लोगों ने बनाया, फिर कुछ लोगों ने पास किया और हमारे पास भेजा। जो है जैसा है हमको मानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा सर हम लोग तो CA कर रहे हैं, तो सर जब हम CA कर रहे हैं तो फिर हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सर आप तो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हो तो आपने तो लॉ पढ़ा है, लेकिन हम क्यों लॉ पढ़े सर, हमको तो CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है सर, हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। याद रखिए आप लोगों का काम बिजनेस वर्ल्ड से होने वाला है, एक चीज आप वहां पे देख रहे हो, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। इंडिया में 2 तरह के लॉ है, एक सिविल एक क्रिमिनल, है ना। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे के सारे सिविल हैं। जो भी क्राइम कहीं पे हो रहा है, क्राइम का मतलब सिर्फ मर्डर ही नहीं है, फाइनेंशियल क्राइम्स भी हमारे यहाँ पे होते हैं। तो पूरे इंडिया में हमने सारे एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ सिविल हैं कुछ क्रिमिनल है। छोटा सा डिफरेंस बताऊं, सिविल लॉ के अंदर जनरली जो है वो पेनल्टी लगती है, है ना, छोटा मोटा पनिशमेंट तो है लेकिन ज्यादातर क्या है, पेनल्टी है कि हाँ भाई आप सामने वाले को डैमेजेस भर दो, जैसे कंज्यूमर कोर्ट में आप लोग देखते हो, है ना। जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल की सजा होती है, सीधा इम्प्रिजनमेंट होता है, जेल में जाना पड़ता है और काफी सारी पेनल्टी भी उसके ऊपर लगती है। तो ये सिविल और क्रिमिनल लॉ का बेसिक डिफरेंस है। हाँ अब आप लोगों की बात करूं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं तो हमारा क्रिमिनल लॉ से ज्यादा लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे सिविल लोग हैं, सिविल पर्सन है, तो हम लोग प्योरली सिविल लॉ पढ़ेंगे, कैसे बिजनेस होता है, कैसे हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, वहां कहां लॉ ब्रेक होता है ना। टैक्सेशन आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के अपने इंटरमीडिएट के अंदर, तो कैसे टैक्सेशन चार्ज होता है, कैसे काम होता है, वहां कैसे केसेस होते हैं, कैसे प्रोविजंस बनते हैं, वो सब कुछ हमको यहां पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बराबर। तो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाली है, जैसा फर्स्ट पिक्चर आप लोग देख रहे हो, एक बुटीक है, एक लेडी है, इन्होंने कुछ सामान परचेस किया है, एक सेलर एक बायर आप इनको बोल सकते हो। तो अगर इनको इनसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो लॉ काम करेगा वो हमारा लॉ होगा, कमर्शियल लॉ होगा, मर्केंटाइल लॉ होगा। अब हमने कहा सर हम चार्टेड, हमारा इससे क्या लेना देना, हो सकता है कि आप इनके चार्टेड हो,
तो इन्होंने जो सामान खर्च किया, पैसा जो खर्च किया, वो सब आपके हिसाब किताब में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है आप इस बुटीक का ऑडिट करने जा रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिल काट रहे हैं, जो माल बेच रहे हैं, जो गुड्स सेल कर रहे हैं, वो प्रॉपर लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करके हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारे कमर्शियल लॉज जो हैं, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पे भाई साहब हैं, है ना, कुछ इन्होंने सेल किया, इन्होंने परचेज किया, कल को प्रॉब्लम आ गया कुछ भी, तो ये सारे लॉ जो हैं ये क्रिमिनल लॉ में नहीं जाएंगे, ये सब हमारे सिविल लॉज के अंदर जाने वाले हैं। कोचिंग क्लासेस आपके और हमारे बीच में ये जो कोचिंग होने वाली है, हम सर्विस प्रोवाइडर हो गए, आप सर्विस लेने वाले हो गए, तो हमारे बीच में जो चीज़ें होने जा रही हैं वो सब भी कैसा ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। कल को हमारे बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पे हमारा सिविल लॉ काम आएगा, जो कमर्शियल लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हमारे कैसे लॉ हैं, सब के सब कमर्शियल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ यहाँ पर पे हमारे कोर्स में नहीं है। अच्छा, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया पिक्चर हॉल का, है ना, मूवी हॉल, है ना, याद आ रही होगी आप लोगों को, बहुत दिनों से हम लोग घर के अंदर हैं, घर पे मूवीज देख रहे हैं, लेकिन मूवी हॉल जाने को नहीं मिला, मूवी हॉल वाला पॉपकॉर्न नहीं मिला, है ना, कॉम्बो पैक में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिला, इनका बहुत बड़ा हुआ रेट नहीं मिला, कई बार यहाँ टिकट का रेट 180 है लेकिन कॉम्बो पैक जो है वो 480 से ऊपर जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, केस वेस करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो वो सब कहाँ से आ रहा है? वो सबका सब हमारा कमर्शियल लॉ है, और आप बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, तो आपका रिलेशन ही सारा का सारा फाइनेंशियल मैटर से होने वाला है, तो इसीलिए ये सारा का सारा लॉ आप लोगों के कोर्स में रहेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ये सारा लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक पिक्चर मैंने और डाली है, चलो ये पिक्चर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, कुछ कुछ शायद हल्का फुल्का पहचान में आ जाए, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये पिक्चर को पहचानना जो दूसरे नंबर पे आपको बड़ा सा मुंह दिख रहा है, ये रोहित शेट्टी का कार्टून है, और इधर कार्टून से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बराबर सिम्बा आपको दिख रहे हैं, रणवीर सिंह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर सर ये पिक्चर क्यों डाली, भाई बहुत सिंपल चीज़ है, प्रोड्यूसर साहब ने इनको अपनी पिक्चर के अंदर हायर किया, इन्होंने पैसा ले लिया लेकिन पिक्चर में काम करने से मना कर दिया, है ना, तो अब इनको केस करना है, तो वो केस कहाँ जाएगा, वो सिविल लॉ में जाएगा, ठीक है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इनमें से कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए कि सिविल लॉज जो है वो क्या है। तो हमारे आसपास में जितनी चीज़ें होती हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको सब चीजें बताऊंगा मैं, वो सब चीजें जो है वो सिविल लॉ, आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया वो सिविल लॉ के अंदर चला गया, है ना, क्योंकि पैसे दे रहे हो, सर्विस ले रहे हो उनसे, शॉप से जाके सामान खरीद करके लेके आए वो आपका सिविल लॉ में जा रहा है। हाँ, मारपीट कहीं पे कर दिया, पिटाई कर दिया, किसी को पीट दिया, किसी ने आपको पीट दिया, वो सब सिविल लॉ में नहीं जाएगा, और हम उन सबसे दूर हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ सिविल लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं, ना कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बहुत छोटा सा बात आज हमने, बहुत छोटी सी बात करी है, और बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया कि लॉ एक्चुअल में होता गया है, और क्या हम लोग लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास से आप लोगों को जो आगे की वीडियोस मिलेंगे उसमें हम प्रॉपर तरीके से लॉ पर हमारी बात को शुरू करेंगे, जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है बिल्कुल आप मेरे साथ में डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व आउट भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगेन एक बार फिर से आप सारे लोगों का वेलकम जैन कोचिंग क्लासेस में, और बहुत अच्छे से हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट, घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे सबका ध्यान रखिए, और बस खूब सारा पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।